इलाहाबाद में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल की चौंकाने वाली हैवानियत सामने आई है। आरोप है कि क्लास में दिए गए होमवर्क के सवाल का जवाब नहीं देने पर प्रिंसिपल ने सातवीं में पढ़ने वाले छात्र की दंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। इसमें छात्र को कई गंभीर चोटें भी आई हैं। पीड़ित छात्र के परिजन प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात तक कह चुके हैं। इधर वारदात के बाद प्रिंसिपल स्कूल में ताला डालकर वहां से नदारद हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को देखकर कोई भी गार्जियन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीरें हैं इलाहाबाद के शांतिपुरम इलाके के रुद्रप्रयाग विद्या मंदिर की। छात्र और उसके परिजनों का आरोप है कि सतीश ने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था और उसके बाद अगले दिन प्रिंसिपल सत्येंद्र द्विवेदी ने क्लास में जब उसी होमवर्क से सवाल पूछे तो सतीश जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद गुस्साए प्रिंसिपल ने उसे डंडे से तब तक पीटा जब तक छात्र निढाल होकर गिर नहीं पड़ा। पिटाई का ये पूरा वीडियो स्कूल के स्टाफ ने अपने मोबाइल में बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित छात्र के परिजनों का आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्र को पिटाई करने के बाद छात्र को धमका तक दिया। इसकी बात वे अपने परिजनों को ना बताए इस चीज़ की धमकी दी गई। छात्र पिटाई से इस कदर डरा हुआ था कि उसने ये बात अपने पिता से भी छिपाने की कोशिश की, लेकिन स्कूल स्टाफ की दी गई वीडियो आखिरकार फेसबुक के सोशल मीडिया में सामने आ गई। इसके बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। पिताजी के पास फ़ोन किया गया हमारे, और पापा भी कहा गया कि हम बच्चे को पनिश करने जा रहे हैं सर। पापा ने कहा ठीक है, अगर पढ़ के नहीं है तो पनिश कीजिए, और सबके जितने बच्चे खड़े थे सबके पास फ़ोन किया गया। तो उसने सर में फिर हमें मारा, और जब घर पे गए थे हम दूसरे दिन, जब स्कूल पे दोबारा गए तो पता चले कि हमारी वीडियो बनी है, वीडियो वायरल हो गई।